13 नवंबर 2021 को टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आर्ट्स एग्ज़ाम हुआ है। तो टोटल 150 क्वेश्चंस थे और दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे, हम एक ही वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चंस कवर कर देंगे इमीडिएटली। अभी कुछ ही टाइम हुआ है इस एग्ज़ाम को हुए। तो हमारा चैनल आप सभी के लिए लगातार मेहनत कर रहा है, बस हमारे साथ जुड़े रहो, सपोर्ट बनाए रखो, हम और भी ज़्यादा आप सभी के लिए मेहनत करेंगे आगे। बाकी कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो इन फ्यूचर तो व्हाट्सएप ज़रूर करिएगा। 95HP स्टडीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, तो इसके साथ ज़रूर जुड़िए। यहाँ काफ़ी सारा मटेरियल वगैरह आपको मिलता रहता है। तो चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट, पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस से रिलेटेड हम स्टार्टिंग करेंगे। रोल ऑफ एनवायरनमेंट ऑन इंटेलिजेंस इज़ हाईलाइटेड बाय स्टडीज़ ऑन तो ट्विन एंड अडोप्टेड चिल्ड्रन, सो हेयर सी इज़ राइट आंसर। लो IQ ऑफ orphan children is due to तो ये deprived environment। और जो हम 5 से 10 सालों के CDP टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, उन्हीं में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीट हो गए हैं। अगर इन फ्यूचर के लिए आप तैयारी करोगे तो व्हाट्सएप करके उनको ज़रूर परचेज कर लेना, इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन 2 फैक्टर्स ऑफ इंटेलिजेंस आर, तो एक जनरल है एंड एक स्पेसिफिक है, ये ऑप्शन सही है। इंटेलिजेंस थ्योरी ऑफ 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज वाज गिवन बाय, तो ये थर्नस्टोन के द्वारा दी गई है। अकॉर्डिंग टू गार्डनर इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल, अकॉर्डिंग टू गार्डनर इंटेलिजेंस इज ऑफ 8 टाइप्स। एरिक्सन्स डेवलपमेंटल टास्क फॉर एडोलेसेंट्स इज आइडेंटिटी फॉर्मेशन। कोलबर्ग्स level of moral development on the basis of punishment and rewards is pre-conventional. The interpretation of dreams was written by Freud. Humanism emphasizes self information processing as a basis of explanation of behavior is in behaviorism. Learner is at the center of learning teaching processes. According to psychoanalysis, behavior originates from unconscious tendencies. Master gland directing development process is pituitary, Piyush Granthi. In Pavlov's study on classical conditioning, the sound of the bell is conditional stimulus. टू थिंक अबाउट वंस ऑन थिंकिंग इज़, तो इसका सही आंसर जो है ये हमें अभी तक नहीं मिला है, सो हम डी ऑप्शन की तरफ जाएंगे। आइडेंटिटी फॉर्मेशन इज डन ड्यूरिंग एडोलेसेंस। ड्यूरिंग प्री कन्वेंशनल लेवल मोरालिटी इज ऑन द बेसिस ऑफ पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड। 16 PF पर्सनैलिटी इन्वेंट्री वाज गिवन बाय कैटल। रिलेटिविटी या फिर रिलेटिवली परमानेंट एंड लर्नड इवेल्युएशन in favorable or unfavorable way is learning. Conditions which either increase or decrease attractiveness of a goal are motive. Relatively permanent change in behavior is learning. Probability to do well in a specific area due to training is aptitude. First level of needs in Maslow's theory are biological. Use of negative reinforcer by the teacher will dash the probability of correct pronunciation by the student increase. Intelligence is aggregate or global capacity of the individual to act purposefully, to think rationally and to deal effectively with the environment. Whose statement is this? तो ये वेस्लर की statement है। Intelligence involved in understanding behavior of others is interpersonal. Mental age of 8 years child whose IQ is 75 will be 6. Meaningful sensation is known as perception. Information processing capacity of a child is limited. तो साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। आप देखो 30 में से कितना स्कोर आपका है, कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तो सबसे पहले आपको हमारे थ्रू ही मिलेगी। तो व्हाट्सएप करके अपना नाम, कैटेगरी बता देना ताकि हम ग्रुप वगैरह जो हमने बनाए हैं उनमें आपको ऐड कर सकें। इंग्लिश सेक्शन से स्टार्टिंग हो रही है अब, ठीक है। इंग्लिश सेक्शन इम्पोर्टेंट रहता है इस एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो ही सेड टू हिम प्लीज़ वेट हेयर टिल आई रिटर्न, तो इसको चेंज करेंगे ही रिक्वेस्टेड। प्लीज़ अगर बोल दिया तो रिक्वेस्ट कर दी, ही रिक्वेस्टेड हिम टू वेट देयर टिल ही रिटर्न। ही सेड I do not wish to interrupt you. He said that he did not wish to interrupt them. B option सही है। Rama said to Arjun, go away. Rama ordered Arjun to go away. He said, I saw this man long ago. He said that he had seen that man long before. B option सही है। इसको सही ऑर्डर में लिखना था, पैराजंबल बोलते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे सेंटेंस आना था मिस्टर मैनी बाजा इनोसेंट मैन, फिर उसके बाद आना था ही एग्रीड टू माई प्रपोजल, फिर उसके बाद आना था इट वाज रिगार्डिंग इन्वेस्टिंग 10,000 रुपीज़ इन माई फर्म, और सबसे लास्ट में आना था ही हैड इनहेरिटेड दैट मनी फ्रॉम एन अंकल। तो यहाँ पे डी सही है। आगे ये वाला सेंटेंस था, मतलब ये पैराग्राफ था, इसको कैसे करना था। तो सबसे पहले थर्ड आना था, नेशनल इंटीग्रेशन इज़ द feeling among all the citizens of a country that they are all a part of one nation. फिर उसके बाद थर्ड आना था national integration is the feeling. फोर्थ आना था we do not then limit our thinking to our own caste or religion but think about all our fellow citizens. फिर सेकेंड आना था the feeling takes up beyond the bounds of family, caste and religion and helps us develop a broad perspective that all of us together constitute an extensive group called the nation. और सबसे लास्ट में the feeling of an extensive group gives rise to a fellow feeling, a feeling of brotherhood among the citizens. तो यहाँ पे कौन सा सी ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 37वां क्वेश्चन। यहाँ पे क्या करना था हमें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिम, तो ऑटोबायोग्राफी होती है ये, लवर ऑफ मैनकाइंड, तो फिलैंथ्रोपिस्ट, द करेक्ट मैस्कुलिन जेंडर फॉर बिक्सन, तो फोक्स होता है, उसके बाद मैस्कुलिन जेंडर ऑफ डक, तो ये ड्रेक होता है, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक, आई कीप अ डिक्शनरी बिसाइड, मतलब अपने पास रखता हूँ, मी एज आई हैव टू कंसल्ट इट सो ऑफन, आचार्य थ्रू दी वॉल डैश द गेट, तो अगर ये गेट है तो बॉल ऐसे फेंकी तो कवर करती हुई जा रही है, तो ओवर, आई प्रेफर टी डैश कॉफ़ी, अगर प्रेफर करते हैं तो टू करते हैं, टू प्रेपोजिशन आती है प्रेफर के साथ, आई कुड नॉट अटेंड द चैलेंज ड्यू टू माई इलनेस, ये कारण है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक करना है लेकिन ईडियम है ये, एज ब्लाइंड एज अ बैट, जो चमगादड़ होता है उसको कम दिखाई देता है, दिन में तो दिखाई देता ही नहीं, एज फेथफुल एज, तो डॉग सबसे फेथफुल होता है, एज कनिंग एज, तो फॉक्स लोमड़ी सबसे चालाक होती है, एज जेंटल एज, तो लैम्ब जो होता है मेमना ये बहुत इंटेलिजेंट जेंटल होता है। उसके बाद हमें सिनोनिम फाइंड आउट करना था, मस्टर, मस्टर मतलब इकट्ठा करना, असेंबल करना, कलेक्ट करना, अपैथी मतलब कोई सहानुभूति, कोई किसी के लिए फीलिंग नहीं है, इंडिफरेंस, शोभ मतलब धकेलना, धक्का देना, तो पुश, स्टैग्नेंट जो स्थिर रहे, स्टेशनरी, उसके बाद हमें यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक करना है, बी जस्ट एंड फियर नॉट, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, डू नॉट गो डैश आई कम, यहाँ पे कंडीशन दे दी अनलेस, जब तक मैं ना जाऊँ, ठीक है तब तक जाना नहीं, आई हैव बीन इन सच अ पिकल सिंस आई सा यू लास्ट, मतलब जब आपको देखा है, एक पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, पॉइंट के लिए सिंस का यूज़ करते हैं हम, और इसमें भी पॉइंट है, आई हैव नेवर सीन हिम सिंस द अनफॉर्चुनेट इवेंट हैड हैपन्ड, तो सिंस आएगा यहाँ पे। फो होता है एनिमल, तो इसका अपोजिट वर्ड हमें फाइंड आउट करना था, फ्रेंड आ जाएगा, टिमिड मतलब जो डरपोक है, बोल्ड यानी कि जो काफ़ी साहसी है, प्रोस्पेरिटी मतलब जिसमें काफ़ी अच्छा चीज़ हो, अच्छी चीज़। एडवर्सरी जिसमें कुछ बुरा घटित होता हो। माइजर जिसके पास पैसे ना हो, मतलब पैसे जो कम खर्च करता है। कंजूस, स्पेंडथ्रिफ्ट जो काफ़ी पैसे खर्च करता है। तो इंग्लिश भी हमने डिस्कस कर लिया। आप देखो 30 में से आपका कितना स्कोर आया इंग्लिश का। अब हम सोशल स्टडीज़ को डिस्कस करेंगे। बिट्टो जो है, बिट्टो एक लैटिन वर्ड है, तो ए ऑप्शन सही है। उसके बाद दोस्तों सती बैन की गई थी 1829, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और साथ में राजा राम मोहन रॉय। उसके बाद वर्ल्ड्स फर्स्ट सोलर एंड विंड ड्रिवन बस स्टैंड, तो ये स्कॉटलैंड में है। दिसपुर जो है ये असम की कैपिटल है। हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडेंट या फिर डिसओबीडेंस मूवमेंट, तो ये लॉर्ड इरविन थे। गांधी इरविन समझौता भी हुआ था। उसके बाद हु अपॉइंट्स कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट जो होता है। उसके बाद संत नामदेव, तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है। व्हेन डिड फ्रांस बिकम रिपब्लिक फ्रॉम मोनार्की, तो 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था। फिर उसके बाद 1792 में ऐसा हुआ था। बिजो द फॉलोइंग इज ए लेक, तो सुपीरियर लेक है। मिचिगन हो गया या फिर ओंटारियो हो गया, ये जगह हैं अमेरिका में, लेकिन सुपीरियर जो है ये लेक है। गांधी सागर डैम जो है ये बना है चंबल नदी के ऊपर, और कश्मीर को बाकी इंडिया से कनेक्ट करता है बनिहाल दर्रा। हाई कोर्ट दिल्ली का बना था 1966 में। सोन और नर्मदा नदियां जो हैं अमरकंटक से निकलती हैं। इंदिरा पॉइंट आपको मिल जाएगा अंडमान निकोबार में। और 1942 में डू और डाई, करो या मरो नारा दिया था महात्मा गांधी ने। और भाभी मूवमेंट जो है इसको प्रमोट किया था सर सैयद अहमद। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर केसर का, तो यह है जम्मू एंड कश्मीर। और राज्यसभा का जब हम बात करते हैं टेन्योर कितना होता है, इसका कार्यकाल होता है तो 6 सालों का होता है। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसको संविधान सभा, तो इसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। उसके बाद सबसे ज़्यादा मनसबदार अकबर के टाइम में थे। सलाल प्रोजेक्ट दोस्तों ये चिनाब नदी के ऊपर बनाया गया है। अलेक्जेंडर जो है ये मैसेडोनिया से था। उसके बाद स्वराज पार्टी बनाई थी 2 व्यक्तियों ने, मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास, सीआर दास इनको बोलते हैं, तो डी ऑप्शन सही है। लार्जेस्ट पेनिनसुला, अरेबियन पेनिनसुला, ठीक है, यहाँ पे अरब प्रायद्वीप बोल सकते हैं आप हिंदी में। प्रेजिडेंट कैन डिक्लेयर एमरजेंसी इन विच सिचुएशन, तो जब युद्ध होता है या फिर बाह्य आक्रमण हो जाता है, सशस्त्र विद्रोह हो जाता है, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो सर की उपाधि किसने लुटा दी थी। जब दोस्तों सर की उपाधि मिलती है तो नाइटहुड, ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर। और महात्मा गांधी जी ने केसरे हिंद, तो आगे अगर क्वेश्चन बने तो याद रखना। नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को मनाया जाता है, सी ऑप्शन। मनीवेल जो है ये लोकसभा में हमें देखने को मिलता है। ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज जो है इंडिया में अरावली है। और एंशियंट जो नालंदा यूनिवर्सिटी है ये कुमार गुप्त के टाइम में बनी थी। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट 29 अगस्त। और फेमस सिटी दार्जिलिंग अंग्रेजों के टाइम से फेमस है, तो ये वेस्ट बंगाल में है। और आज के टाइम में जब हम गृह सचिव देखते हैं तो अजय कुमार भल्ला हैं। और इंदिरा धनुष ये दोस्तों मिशन संबंधित है वैक्सीनेशन से, 2014 में स्टार्ट हुआ था। व्हेन वाज दी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एनजीटी, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2010 में। उसके बाद लोनार लेक जो है ये महाराष्ट्र में है। और जब हम गंगा की बांग्लादेश में बात करते हैं तो पद्मा इसको बोला जाता है। तीस्ता जो है, तीस्ता जल विद्युत परियोजना ये सिक्किम में है। और भारत में जब हम मिट्टी देखते हैं कौन सी, जलोढ़ मिट्टी या फिर एलुवियल सॉइल सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद फर्स्ट हाइड्रो या फिर हाइडल पावर प्रोजेक्ट इंडिया में शिव समुद्रम जो कि कर्नाटका में है, सी ऑप्शन। विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू बैन डिफॉरेस्ट्रेशन, तो नॉर्वे ने सबसे पहले मतलब वनों को काटने के लिए मनाही कर दी है, प्रतिबंध लगाया हुआ है पूरी तरह। और गंगा 101 रंजीत डेक्कन ये मक्की या फिर मक्का जो है उसकी किस्में हैं। पूर्णा जो है ये ताप्ती की सहायक नदी है, डी ऑप्शन। किंग कृष्णा देवराय जो कि विजयनगर एम्पायर से हैं, सबसे महान इनको शासक बोला जाता है, बाबर के समकालीन थे। where did the famous Indigo Revolt, तो चंपारण बिहार। अशोक मेहता कमेटी जो है पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड है। और हिंद स्वराज जो है ये ऑटोबायोग्राफी है महात्मा गांधी जी की। और गोवा जो है ये पार्ट बना था इंडियन रिपब्लिक का 1961 में, जो पुर्तगाली उन्हें भगाया था 1961 में यहाँ से। द स्पीकर ऑफ लोकसभा एड्रेसेस एंड सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन टू, डिप्टी स्पीकर जो होता है लोकसभा का उसको त्यागपत्र वगैरह देता है। उसके बाद सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुल्ले। उसके बाद दोस्तों सुधीर मन कप जो है बैडमिंटन से रिलेटेड है। ग्रेट नेशनलिस्ट लीडर न्यूज़पेपर से संबंधित मदन मोहन मालवीय। फादर ऑफ इंडियाज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लॉर्ड रिपन। सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट एरिया के हिसाब से अफ्रीका है, फर्स्ट एशिया है। और बैटल मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में हुई थी चंदावर में, सी ऑप्शन सही है। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, तो प्रेसिडेंट होता है। और गणगौर जो है ये राजस्थान में एक उत्सव है, फेस्टिवल है काफ़ी फेमस। स्तूपा सांची की, सांची स्तूप अशोका के टाइम में बनी थी। और फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, इंडिया की नहीं पूछी गई है, सिर्फ ओवरऑल पूछी गई, तो एनी बेसेंट याद रखो 1917 के आसपास। उसके बाद जो अशोका इंस्क्रिप्शंस हैं, शिलालेख हैं अशोक के, जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले इनको डिकोड किया था। भनवाज कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट फॉर्म्ड, तो ये कब बना, 1 सितंबर 1972 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट आर्मी चीफ फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, बीएन शर्मा। अच्छा कमेंट करके बताइएगा जरा ये बीएन शर्मा जो है किस स्टेट, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं हिमाचल प्रदेश के। क्वेश्चन अगले एग्जाम्स में ये आने वाला है पक्का। लार्जेस्ट रिवर जब हम वॉल्यूम के हिसाब से देखते हैं चिनाब। और एक किताब है हिमाचल पोलियंड्री, तो डीएन मजूमदार। और पोलियंड्री इन द हिमालयास आए तो डॉक्टर बाईएस परमार वहाँ पे चूज करना। बीच ऑफ दीज इज द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन हिमाचल, तो ये यमुना ब्रिज पोंटा साहिब। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जिंजर, तो ये सिरमौर जो है। उसके बाद सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पे है, चंबा में है। और आज के टाइम में जब हम मुख्य सचिव की बात करते हैं, ये हाल ही में बने हैं राम सुभाग। और गवर्नर भी हाल ही में बने हैं राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर। और फर्स्ट कॉमेडी सीरियल चंदू नंदू हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों जो हमारे कोर्सेज वगैरह हैं उनमें ये सारे के सारे चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, HPGK भी सब कुछ प्रोवाइडेड है। और यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चंस बन रहे हैं। और बाकी सोशल स्टडीज़ जो है उसके लिए तो हमारा कोर्स काफ़ी फेमस है, तो इन फ्यूचर ज़रूर आप इसके लिए देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक पहाड़ी चित्रकला बुक है, तो KL वैद्य के द्वारा, किशोरीलाल वैद्य के द्वारा इसको लिखा गया है। और आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल डॉक्टर बाईएस परमार, पहले मुख्यमंत्री यही हैं। हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकार ऑफ जैन्स, तो ऋषभनाथ। उसके बाद 370 अनुच्छेद जो है इसको कब हटाया गया, समाप्त किया गया, तो 5-6 अगस्त 2019। उसके बाद नवनिर्माण जो है ये मूवमेंट गुजरात में देखने को मिला। और पॉलिटिक्स ऑफ आयाराम गयाराम कहाँ पे देखने को मिली, हरियाणा में। ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं। प्रेजेंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया धर्मेंद्र प्रधान। और बाबरी मस्जिद का जो ढांचा है उसको कब तोड़ा गया था, गिराया गया था, तो 6 दिसंबर 1992। और थर्ड वर्ल्ड के रूप में जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो विकासशील देश हैं, उन्हें जाना जाता है। डिजिटल स्काई जो है ये दोस्तों डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से इसको ऑपरेट करता है, इस एंटिटी को। उसके बाद फाउंडर पूछा गया, भारतीय जनसंघ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। केलकर कमीशन जो है ये जनवरी 1953 में देखने को मिला था। और ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है 1984 में देखने को मिला। उसके बाद बोडो प्रॉब्लम जो है ये असम में देखने को मिलती है। एशियन जो है तो ये 1967 में देखने को मिला था। फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू स्कोर टेस्ट सेंचुरी इन ऑस्ट्रेलिया स्मृति मंधाना। और कन्नू सन्याल जो हैं ये दोस्तों नक्सलिज्म से संबंधित है, नक्सलवाद। और चीफ मिनिस्टर आज के टाइम में गुजरात के भूपेंद्र भाई पटेल। और जब हम बात करते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, तो ये 1993 में एस्टेब्लिश हुआ है, ये ऑप्शन सही है। उसके बाद नानावती कमीशन एंटी सिख राइट से रिलेटेड है। 90 स्कोर कर लिया है, समझ जाओ 90 से ऊपर है तो आपका क्लियर है। अगर बाकी SC ST जो भी हैं 82 से ऊपर स्कोर है तो समझ जाओ आपका भी क्लियर है। बाकी मैसेज ज़रूर करिएगा, किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी इन फ्यूचर आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं। और ये PDF फाइल आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी 95 HP स्टडीज़, तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।